अम्माबाद फारुजुबिल्ल रहीम प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरन इस वक्त मौजूद हैं कैटल फार्म और यहां से आपके लिए एक है, के मदरी की का है।, एक है मुकाबला।, मकसद मुकाबला नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुख्तलिंदाज से इल्म दीन हासिल करें हम मदरी चैनल देख कर भी इल्म दीन हासिल कर सकते हैं हम मदनी काफिले में सफर करके भी इल्म दीन हासिल कर सकते हैं आपने हमारे साथ रहना है हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़े इससे पहले हमारे साथ दो इस्लामी भाई हैं कुरान करीम की तलावत सुनते हैं और नाज शरीफ सुनते हैं जी إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

रसूल्ला वसलम कया हबीबल्ला बोला लो फिर मुझे शाद है बहरो बर मदीन

अमान कभी तो अप ना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में मदीना इसलिए अ जानो दिल से है प्यारा मदीना इसलिए अतार जा दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ میں मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर مدینے में माशा अल्लाह माशा अल्लाह के हसद से बचाए जालिमों के जुर्म से बचाए हमारे साथ हमारे निगरान मौजूद हैं टाउन निगरान भी हैं मुबलिक भी हैं जिम्मेदार भी हैं है। इस्लामी भाइयों की तरबियत भी करते हैं दीनी काम का क्या स्ट्रक्चर है आइए हम मालूम करते हैं अल्हदुल्ला रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी दुनिया भर के अंदर दीन मतीन की खिदमत कर रही है इसी तरह आज जहां हमारा सिलसिला है ये हमारा गडाब टोन का इलाका कहलाता है और बिलखसूस ये केटल कॉलोनी है अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर भी दावत इस्लामी की मसाजिद हैं यहां पर भी हमारे इमाम साहबान हैं जो यहां लोग रहते हैं उनको नमाज भी सिखाई जाती है उनको कुरान पाक भी सिखाया जाता है तो अलहमदल यहाँ से इस्लाम भाई हफ़्तावार इजमा के लिए सहराए मदीना कराची सुपर हाईवे टूल प्लाजा में शिरकत करते हैं तो जितने भी मुझे सुनने वाले हैं गडाप टोन के इस्लाम भाई जो स्केटल कॉलोनी में रहते हैं उनको भी दावत दूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमें कुरान सिखाया जाए हमें नमाज़ सिखाई जाए तो हमारे इस्लामी भाई आपको फ़ीस सभी दिला बग़ैर फ़ीस के आपको आपके फार्म पर आकर आपको आपकी मार्केट में आकर इन शुरान करीम की तालीम देंगे अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के माहौल में इस्तकामत अता फरमाए अच्छा मुझे बताएँ कि ख़ालिद भाई मवेशी मंडी में कितने इमाम साहिबान हैं मवेशी मंडी में अलहमदिल्लामामबान होते हैं वहाँ नमाजें भी पढ़ाते हैं नमाजों का अहतमाम भी होता है इस वक्त भी जो मवेशी मंडी में जय नमाज़ें का अहतम किया जा रहा है तकरीबन कमो बेश दस पंद्रह इमाम होते हैं और उनका काम समझे कि वहाँ नमाज़ें पढ़ाना वहाँ के लोगों को नेकी की दावत देना कुरान के तलेम आम करना अलहमदिल्ला दावत इस्लामी को नज़र बस से महफूस के नाजरीन आपने आई हम अपने मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं करहदा के, के साथ होगा दो ताजिर के दरमियान मुकाबला होगा आपने हमारे साथ रहना है जी हमारे साथ कुर्बान भाई साबिर भाई हैं दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है ताजिर को कैसा होना चाहिए नबी करीम सल्लाह तरमाया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब मुर्दार खिंजीर और बुतों की खरीद व फरोख्त को हराम करार दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना माल बेचने के लिए कसरत से झूठी कस्में खाने से बचो ये चीज़ वक्ती तौर पर फरोख की मालूम होती है लेकिन आखिरकार कारोबार से बरकत खत्म हो जाती है तिजारत में ये नारा लगाना पैसा हो चाहे जैसा हो ये कतान तिजारत की रूह और इस्लाफ की तरबियत के खिलाफ है ताजिर के लिए एक अहम वस्न अखलाक का पेकर होना है ताजिर को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे और अपने आले खाना की जरूरतियात की तकमील के लिए हलाल रिश् के जराए अख्तियार करे अगर अपने पास मौजूद सही माल में कोई ऐब पैदा हो गया हो तो गाहक से ना छुपाए वरना जालिम और गुनागार होगा तिजारत करने वाला जाली और असली नोटों की पहचान का तरीका सीखे और ना खुद जाली नोट ले और ना किसी को जाली नोट दे अगर कोई जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता नहीं तो वो किसी और को नहीं देनी चाहिए वजन करने वाला वजन करने और नापने में धोखा ना करे बल्कि पूरा तोले और पूरा नापे हमें चाहिए कि रिस्क हलाल के असूल के लिए कारोबार में उन उनूलों को अपनाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिले हैं हमारे साथ साबिर भाई और कुर्बान भाई हैं इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शराब मुरदार खंजीर और बुतों की खरीदो फरोख्त पर हराम करार दिया है जी कुर्बान भाई ताजर के पास मौजूद माल तजारत में अगर कोई ऐब वाक़ हो जाए तो उसे चाहिए कि वो गाहक को बता दे अगर नहीं बताएगा तो जालिम और गुनागार होगा जी अगर अपने पास मौजूद सही माल में कोई ऐप पैदा हो गया हो तो उसे गाक से ना चुपाए वरना जालिम और गुनागार होगा जी साबिर भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के माल बेचने के लिए झूठी कसम खाने से बचो ये चीज़ जो वक्ती तौर पर फरोख की मालूम होती है और कारोबार में बरकत खत्म हो जाती है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना माल बेचने के लिए कसरत से झूठी कसम खाने से बचो ये चीज़ वक्ती तौर पर तो फरोख की मालूम होती है लेकिन आखिरकार कारोबार से बरकत खत्म हो जाती है जी कुरान भाई एक तजारत करने वाला आ, असली और जाली नोटों में फ़र्क करने का त, तरीका सीखे ना खुद जो है वो जाली नोट ले ना दूसरों को जाली नोट दे जी साबिर भाई तजारत में ये नारा लगाना कि पैसा हो जैसा भी हो ये तिजारत की रूह और इस्लाम की तरबियत के खिलाफ है जी कुरबान भाई अगर कोई जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता ना चल सके तो ताजिर को चाहिए कि वो किसी और को ना दे जी अगर कोई जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता ना हो तो और किसी को नहीं देनी चाहिए जी भाई ताजिर के लिए एक अहम जी, कुर्बान भाई वज़न करने और तोलने वाले को चाहिए कि पूरा पूरा वज़न करे और पूरा पूरा तोले नाप तोल में कमी ना करे बिल्कुल ठीक है जी हमारे साथ कुरबान भाई साबिर भाई हैं दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं जी जी ताजर को चाहिए कि वो अल्लाह पाक पर भरोसा रखे और अपने अहल खाना के लिए रज़ हलाल की तकमील के लिए कुछ रखतीय करे आखिरी पॉइंट बाकी है देखते हैं कि कुरबान भाई का क्या जवाब है जी। हमें चाहिए कि रज़ हल केसूल के लिए उनूलों को अपनाएं जो हजूर नबी करीम सल्ह वसलम की जिंदगी से हमें मिले जी हमें चाहिए कि रिश्ते हलाल के उसूल के लिए कारोबार में उन उसूलों को अपनाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिले हैं हमारे साथ साबिर भाई और कुर्बान भाई हैं ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं और हमारे साबिर भाई को हमारे खालिद भाई टाउन निगरान के हाथ से तोहफे दी जाएंगे और हमारे कुर्बान भाई को भी तोहफा दिया जाएगा हमारे खालिद भाई के हाथ से चलें जी हम अपने हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे कामरान भाई मौजूद हैं। हर काम से पहले मशवरा नहीं करना चाहिए जी कामरान भाई क्या कहेंगे हर काम से पहले मशवरा करना चाहिए क्योंकि मशवरा करना सुनत है और इसमें बरकत है और मशवरा करने के फायदे ही हैं कि अगर आप मशवरा कर रहे हो उसमें अगर कोई मसला होने का भी होगा तो मशवरे की बरकत से खैर हो जाएगी जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे मशवरा करना चाहिए बाज़ होगा तो ऐसा होता है कि मशवरा नहीं करते और गलती कर लेते हैं हमारे साथ एक और स्थायी भाई है उनकी तरफ बढ़ते हैं हर काम से पहले जो है वो मशवरा करना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत अम्बिया भी है हमें चाहिए कि जो भी हमारा अहम काम हो मशूर करने के बाद जो है उसे करें जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम से पहले मशवरा करें हाजरीन से एक सवाल करते हैं कि अगर जानवर बीमार हो जाए तो क्या जानवर के डॉक्टर से रबता करें या खुद इलाज करें जी क्या कहेंगे जी जानवर बीमार हो जाए तो डॉक्टर से ही रब्ता करेंगे इसलिए कि हो सकता है कि पहले कुछ कम बीमार था कि अब खुद हम अपनी तरफ से इलाज करना शुरू कर देंगे तो ये ज़्यादा नुकसान होने का सबब बन सकता है इसलिए डॉक्टर से ही इलाज करवाया जाए बिल्कुल ठीक अच्छा, देसा होता है अच्छा क्या -क्या तो कोशिश करें कि अगर जानवर बीमार है तो जानवर के डॉक्टर से रब्ता करें ना कि खुद इलाज करें जी आजम भाई से सवाल करते हैं कि क्या जानवर को छत पे लेके जाने से जानवर को तकलीफ हो सकती है क्या कहेंगे आजम भाई तकलीफ हो सकती है बहुत सारे मामला हैं इसके अंदर जब जानवर को हम छत पे ले जाते हैं किसी ट्रेन के जरिए लेके जाते हैं तो उसकी वायर लगती है उसको तकलीफ होती होगी फिर चढ़ाते हैं फिर एंड पे जब उतारने पे जाते हैं तो हो सकता है कि वायर टूट भी जाए जानवर गिर भी सकता है इसमें मरते हुए भी देखे हमने जानवर तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी जिस तरह इंसान को तकलीफ होती है उसी तरह जानवर को भी तकलीफ होती है जी आप क्या कहेंगे काफी आजमाइश हो सकती है और जानवर को जमीन पे वाकियात भी सामने आए कि वो जानवर ऊपर से गिरा भी गिरा उसको हड्डी वगैरह टूट गई टांग वगैरह टूट गई और दूसरा ये कि जानवर को चाहिए जमीन पे जैसे इसकी परवरिश होती है अब वो छत पे वो सारी सहूलियात से महरूम रह जाता है घूमना पड़ता ऐसा होता है कि जानवर को जब ऊपर चरा रहे होते हैं तो पब्लिक जमा हो जाती है

अगर हिफाजत करने के बावजूद भी बच्चे गुम हो जाते हैं तो वो इंतजामिया से रहा करे और बच्चों को ना लेके आए तो इसमें ही बेहतरी है बाज बाजा ऐसा होता है कि जानवर पीछे भाग रहे होते हैं लात मार रहे होते हैं अच्छा बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मैं जानवर को हाथ लगाऊँ अच्छा जानवर को हाथ लगा रहे होते हो तो लात आ रही होती है तो उसमें फिर बच्चे फिर आजमाइश में आ जाते हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को भी ना लेके जाए अभी जिस केटल फार्म में रिकॉर्डिंग का सिलसिला है और उनकी जो हेड है जो मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं वो हमारे साथ मौजूद है उनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे एक सवाल करते हैं जानवर खरीदने के बाद जानवर का कितना ख्याल रखना चाहिए हम जहीर भाई से जवाब लेते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसके दाने का खाना पीना उसका और उसका बैठने का और भी बहुत सारे मामला होते हैं हम लोग भी अपने कैटल पे इतना ख्याल रखते हैं इनका कुर्बानी का जानवर होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए जो जानवर लेके जाते हैं उनको कितना ख्याल रखना चाहिए उनको बिल्कुल अगर वो नहीं कर सकते तो एक बंदा रख लें तो उसमें ये कि सफाई होगी तो वो साफ भी रहेगा उसको आदत होती है हम लोग अपने कैटल पे सफाई इतनी रखते हैं तो उसमें बंदे रखे हुए हैं खाने के लिए टाइम टेबल पे खाना देते हैं उनकी उनकी सफाई कपड़ा लगता है उनको जैसे ही वो अगर गंद करते हैं वो फौरन साफ़ होती है अच्छा भाई इसी तरह अफसान भी कि भाई गंदगी वहाँ होगी वहाँ पे जाके नहीं खाना खाएंगे ना इसी तरह जानवर का भी यही है बिल्कुल इसी तरह खाता है क्योंकि हम लोग इसी तरह उसको ध्यान करते हैं तो बिल्कुल आदत सी बन जाती है तो इंसान अपना ध्यान रखता है तो कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं तो उसका जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा स्वबा होगा ऐसे भी होते हैं कि वो टाइम फिक्स करते हैं कि चार बजे पानी देना है अच्छा वो चार बजे जब पानी देते हैं और चार बजे का टाइम फिक्स है अगर जानवर को अगर तीन बजे अगर प्यास लगी तो क्या करेगा वो एक घंटा प्यासा रहेगा नहीं हमारे पास बंदे हैं हम लोग टाइम टेबल से खाना देते हैं उसके ठीक आधे घंटे बाद या उससे पहले उसको पानी देते हैं तो इसी तरह हमारे बंदे होते हैं तो उसको बीच में भी जो है खोल के ले जाके पानी आगे रखना टाइम टेबल से बिल्कुल ध्यान रखते हैं उसको खाने का हमारे हाजरीन से सवाल करते हैं कि ओनर का स्टाफ और लेबर के साथ कैसा अंदाज होना चाहिए बाजूगा ऐसा होता है कि अगर स्टाफ में से किसी की कोई गलती हो जाए तो ऑनर्स जो होते हैं वो बड़े ही बुरे अंदाज से पेश आते हैं और बड़ी ही बदतमीज़ी करते हैं अब अगर वो बेचारा है उसकी हिम्मत भी नहीं होती क्योंकि ऑनर है वो तो उसके नीचे का बंदा है अब अगर वो कोई बात कहे कि सर ऐसा नहीं है मेरी गलती नहीं है तो उसको पता है अगर मैं आगे से कहूँगा तो उनका प्रेशर ही इतना होता है कि वो थप्पड़ ना लग जाए मेरे तो ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए हम अपने बच्चों के साथ कैसा अंदाज़ रखते हैं अभी तो आप देखें कि ये हमारे अंडर का बंदा है लेकिन कल बरोज़ क़यामत जब महशर का मैदान होगा तो उस मज़लूम के साथ अल्लाह ताला होगा और फिर हमारा भी रवैया सामने होगा और कहीं ऐसा ना हो कि जब उसके गुनाह बढ़ जाएं तो उस हमारी जो नेकियां हैं वो उसके हवाले कर दी जाएं और हम तने तनहा रह जाएं और जिसके साथ अल्लाह ताला हो तो फिर उसके मुकाबले पर कौन आ सकता है अल्लाह तबारा को तला हमारे भी गुनाह तो माफ़ करता है ना हमारे भी गलतियाँ माफ़ करता है ना तो आप अपने स्टाफ की गलतियाँ माफ़ कर दें बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा भाई शायन भाई ऐसा भी होता है कि अगर गलतियों पर अगर ना कहें तो वो भी दो गलतियाँ करेंगे फिर वो आगे जाके तीन गलतियाँ करेंगे तो फिर उसके लिए भी क्या करें अंदाज़ है ना जहाँ जारहाना अंदाज नहीं होना चाहिए अंदाज, अंदाज एक तो मोहब्बत वाला अंदाज हो अगर गलती होती भी है तो उसको इस एहसन अंदाज से आ, मतलब आंखों आंखों में भी समझा देते हैं कि एक अंदाज होता है मतलब एक ये भी चीज़ होती है ना कि अगर एक दो मरतबा इग्नोर करें तो बंदा खुद भी समझ जाता है लेकिन ये ना कि पहली गलती में ही उसको इस अंदाज से जलील किया जाए कि वो बंदा या तो भाग जाए या फिर वो हमारी शिकायत अल्लाह तला से ना कर दे तो फिर हम किसको अपना मुँह दिखाएंगे क्योंकि हमने भी तो अपने मालिक को जवाब देना है ना आगे जवाब होना है तो इस चीज़ में जरा नहीं पूरा सोचना चाहिए कि अपने जो स्टाफ है उनका ख्याल करना चाहिए और उनके साथ अच्छे अंदाज से पेश आना चाहिए खालिद भाई ओनर का लेबर के साथ साथन अखलाक वाला अंदाज होना चाहिए प्यार मोहब्बत वाला अंदाज होना चाहिए ओनर को चाहिए कि जो भी उसके पास मजदूर है लेबर है उनको उनकी मजदूरी वक्त के ऊपर उनकी उजरत अदा कर देर भाई की तरफ जी जहिर भाई क्या कहेंगे ऑनर का स्टाफ और लेबर के साथ कैसा अंदाज होना चाहिए ऐसा अंदाज होना चाहिए जैसे अपने घर में भाई के साथ अच्छा ऑनर जो है अल्लाह तबारक नवाजा है तो उस पर शुक्र अदा करे ना कि वो उस उसपे कमाल महसूस करे सब मेरा कमाल है ऐसा नहीं है कि भाई जो अल्लाह तबारक आपको दिया है तो आप शुक्र अदा करें अपने लेबर का अपने स्टाफ का ख्याल रखें अच्छा ये ऐसा भी होता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है इतना बड़ा सेटअप है यही लोग जो है वो संभाल रहे होते हैं अच्छा यही लोग अगर आपको धोखा दें तो आप तो रोड पे आ जाएंगे तो कोशिश करें कि अपने स्टाफ का अपने लेबर का ख्याल रखें आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर हम अपने मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे किस काम में ज्यादा सुकून मिलता है और अल्लाह तबारक जिक्र में ज्यादा सुकून है नमाज अदा करनी चाहिए इसमें भी ज्यादा सुकून मिलता है बंदा पाँच वक्त की नमाज अदा करे और इसके अलावा जो जो नेक काम है अल्लाह तबारक वाली जिन कामों से राजी होता है और उसका रसूल सल्ला व्लम जिन कामों से राजी होते हैं तो उन कामों में ही ज्यादा सुकून है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कामरान भाई अल्लाह को राजी करना ठीक है और जो नेक आमाल है नमाज पढ़ना कुरान पाक पढ़ना तिलावत करना ये सारे एक काम करने में दिल को सुकून मिलता है अच्छा बाज ऐसे भी काम होते हैं जो काम करते हैं उसमें भी सुकून मिलता है अगर कुछ हमारे मद्री चरण के नाजरीन को बताएं यूं तो आप अपना काम जो कारोबार कर रहे हैं अगर उसको भी शर एतब से करेंगे अपने जो वर्कर्स हैं आपके पास जो अपने इम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अगर आप ख्याल रखेंगे उनका शर ए से सारे मामला करेंगे तो आपको दिल को इन शाला सुकून ही मिलेगा बाकी जो उन्होंने काम बोले वो तो मेन काम है वो तो करने ही करने है उससे मिलना ही सुकून इसके अलावा जो आपकी रोज़मर की रूटीन में सारी चीज़ें जैसे कि हम हॉस्पिटल में हैं तो मरीज़ हैं मरीज़ की खिदमत करना

तंखा तो सीधी सही है महीने के एंड में ही जानी है दुआ हमारा खुद का एक तरह हम किसी की खिदमत करें तो दुआ मिल जाए काम से हटके भी वो भी शुक्र अदा करके जाता है यार आपने जो मशवरा दिया था ना और आपने कहा था कि उस डॉक्टर को दिखाएं तो सही हो जाएगा तो उस डॉक्टर को दिखाया इलाज करवाया अल्लाह की रहमत से मेरा बच्चा या घर वाले या कोई भी अल्लाह के रहमत से अब ठीक हो गए तो फिर वो जब वो आपको कहेगा वो ठीक हो गए तो वो फिर जो सुकून महसूस होता है वो उसकी भी अलग बात होती है असल यही हो जाता है कि वो मशवरा भी हो जाता है मशवरे में मशवरा करना सुन्नत भी उसमें बरकत भी होती है तो हम भी उसी नी से मशवरा भी दे देते हैं और उसको फायदा होता है तो दुआ भी लगती है और हमारे दिल को भी सलामत रखे मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि यहाँ पर सब माशा तशरीफ लाए हम आखिरी मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं मदरी जनल के नाजरेन आपने हमारे साथ रहना है नमाज ना पढ़ने के नुकसान बयान किए जाएंगे हमारे हाजरीन में से दोस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा इनकी तरफ बढ़ते हैं इनसे नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है जी रहमान हबीबान मेरा नाम है हबीबुर रहमान भाई हमारे साथ हैं। एक और की तरह बढ़ते हैं। नमाज ना पढ़ने के बयान की जाएंगे करीम ने जिसकी नमाज फोत हो गई। गोया उसके आलो माल जाते रहे नबी करीम सल्लाह ने फरमाया नमाज दिन का सुतून है जिसने नमाज तर्क की उसने दीन को गिरा दिया नमाज छोड़ना या उसमें सुस्ती करना मुनाफिकों की अलामत है अल्लाह करीब बेनमाजी की उम्र से बरकत खत्म कर देगा उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत बेनमाजी बेहयाई और दिगर गुनाहों में मुब्तला हो जाता है बेनमाजी कभी भी कल सुकून नहीं पाता तंदुरुस्ती के बावजूद नमाज तर्क करने वाले को अल्लाह पंद्रह किस्म के अजाबात में मुब्तला फरमाएगा उनमें से छह अजाब दुनिया में तीन मौत के वक्त तीन कबर में और तीन अल्लाह से मुलाकात के वक्त उसके चेहरे से भलाई का नूर मिटा देगा उसका कोई नेक अमल कबूल ना होगा उसकी कोई दुआ कबूल ना होगी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं बेनमाज़ी के के दिन फिरौन, हमान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। जी हमारे साथ हबीबुर और इनायतुल्ला भाई हमारे साथ हैं इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है जी रहमान भाई नबी करीम वसल्लम ने इशाद फरमाया जिसने नमाज को फोत कर दिया तो गोया उसके अहलुमाल जाते रहे अल्लाह जी अनायतल भाई तंदरुस्ती के बावजूद नमाज तर्क करने वाले को अल्लाह तबारक व पंद्रह अजाबात में मुबला फरमाएगा उनमें से छ दुनिया में तीन मौत के वक्त तीन कबर में और तीन अल्लाह तबारक व से मुलाकात के वक्त अल्लाह अल्लाह जी हबीब्रह भाई नबी सल्लल्लाहु करीमल वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज दीन का सतून है जिसने नमाज को तर्क किया गोया उसने दीन को गिरा दिया बेनमाजी के चेहरे से भलाई का नूर मिटा दिया जाता है जी। नमाज छोड़ना और उसमें सुस्ती करना मुनाफिकों की अलामत है। बेनमाजी का कोई नेक अमल कबूल नहीं होगा जी। अल्लाह करीम बेनमाजी की उम्र से बरकत खत्म कर देता है और उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत को खत्म कर देता है बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती जी। बेनमाजी बेहयाई और दीगर बुरे कामों में मुबतला हो जाता है अल्लाह। बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं अल्लाह अल्लाह। जी हमारे साथ हबीबर भाई और इनायतुल्ला भाई हैं। दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं जी बेनमाजी को कभी कल भी सुकून हासिल नहीं होता अल्लाह बेनमाजी को क़्यामत के दिन कारून फिरौन हमान और उबै बिन खल के साथ होगा बेनमाजी क्यामत के दिन कारून फिरौन हमान और उबै बिन खल के साथ होगा हमारे साथ इनायतुल्ला भाई और हबीबुर रहमान भाई हैं दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं जी हमारे हबीबुर रहमान भाई और इनायतुल्ला भाई को तोहफे दिए जाएंगे चले यहाँ कैटल फार्म के जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं इनके हाथ से हमारे हबीबुर रहमान भाई को तोहफा दिया जा रहा है चले। और इनायतुल्ला भाई माशाल्लाह माशाल्लाह तस्बीह और इतर भी चले अल्लाह सलामत रखे हम हर साहबिय नबी जन्नती हर साहब जन्नती जन्नती सिद्दीकोम उस्मान भी जन्नती हजरत अली भी जन्नती हजरत मुआविया भी जन्नती अगर ये सिलसिला आप अपने कैटल फार्म में करवाना चाहते हैं हमारी मदरी चैनल की टीम से जरूर रब्ता करें अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे हाजरीन नाजरीन सबको खैर वाली आफियत वाली ईमान वाली सेहत वाली ने बड़ी तवील जिंदगीबल्ला Uh...